जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं देवीश्वर चौराहे पर और धनतेरस का आज दिन है और बाज़ार की जो रौनक है, त्योहारों की जो भीड़ है इस समय मार्केट में, उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बार बार हमारे खबर चलाने का असर एक तो यह हुआ है कि पुलिस प्रशासन की अब व्यवस्था बाज़ार में कर दी गई है। आरएसी के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और कोई अप्रिय घटना ना हो उसे रोकने के लिए अलग अलग जो चौराहे हैं, पॉइंट हैं, उन पर पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की है। और अब ज़रूर थोड़ा सा बाज़ार उठने लगा है, मार्केट उठने लगा है, लेकिन एक समस्या ज़रूर है कि व्हीकल्स की जो आवाजाही है वो जब तक नहीं रुकेगी तब तक थोड़ी सी समस्या रहेगी। बाकी व्यापारियों के जो चेहरे हैं उन पर अब रौनक आने लगी है, क्योंकि अब जो व्यापार है, बिजनेस जो है, वो बूस्ट करने लगा है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो दिन में अच्छी खासी तादाद में यहाँ आते हैं और ख़रीदारी करके और फिर अपने गंतव्य को जाते हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरों से दिखा रहा हूँ गंगापुर सिटी में दीपावली की जो रौनक है, दीपावली का जो त्यौहार है उसे। हालांकि बाज़ार में जो भीड़ है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अतिक्रमण की वजह से जो है, और व्यापारी भाई खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने अब अपने जो सामान है उनको और भी बाहर निकाल लिया है, उसकी वजह से भी अब आने जाने में और निकलने में लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन चलिए, त्योहारी सीज़न है तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि चलो किसी भी तरीके से हमारा बिज़नेस थोड़ा सा बूस्ट करे। अच्छी खासी तादाद में लोगों की भीड़ आ रही है। और अब थोड़ी सी बाज़ार में रौनक आने लगी है। महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में अब यहाँ आने लगी हैं और ख़रीदारी कर रही हैं चौराहों पर। प्रमुख जो पुलिसकर्मी हैं उनको प्रमुख चौराहों पर लगाया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि इस माहौल में, इस भीड़ में जेब कतरे जो हैं उनकी हलचल भी काफ़ी बढ़ जाती है। और आज धनतेरस का दिन है तो शुभ मुहूर्त देख करके लोग उसी हिसाब से ख़रीदारी कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें ज़रूर बूस्ट है, उसमें ज़रूर उछाल है, लोग तो अच्छी खासी तादाद में गाड़ियां खरीद रहे हैं, व्हीकल्स खरीद रहे हैं। ई व्हीकल्स का भी क्रेज़ है। आज मैंने वहाँ भी कुछ एजेंसी जो हैं जो ई व्हीकल्स बेच रही हैं उनसे भी बात की थी, तो उनका कहना था कि सर एक तो फाइनेंस जो है उसको लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अगर इनका फाइनेंस हो जाता तो शायद बेहतर होता, फिर लोग अच्छे तरीके से लेते, क्योंकि ई व्हीकल जितने भी हैं वो महंगे आते हैं और कैश में ही आपको, नगद में ही आपको उनको ख़रीदना पड़ता है। पत्रकार सबके नंबर ले लो तो वो ज़रूर एक समस्या है। बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है और कपड़ा सेक्टर जो है उसमें ज़रूर उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि दीपावली के तुरंत बाद फिर शादियों का जो सीज़न है वो भी शुरू हो जाएगा 14 नवंबर से, तो उसे देखते हुए भी अब जो है व्यापारियों की उम्मीदें जागने लगी हैं कि शायद 2 साल की जो पेंडेमिक सिचुएशन से हम गुजरे हैं और जो बिज़नेस बिल्कुल ठप पड़ा था, अब उसे कहीं ना कहीं गति ज़रूर मिलेगी। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाज़ार में अच्छी खासी भीड़ है इस समय। शाम का वक्त है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ख़रीदारी करके और अब अपने घर वापस लौट रहे हैं, और उसके बाद में शाम के बाद में फिर जो
शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनकी तादाद अच्छी खासी बढ़ जाती है, वो लोग आते हैं। जाम की स्थिति जो है वो बिल्कुल आम हो चुकी है और जगह जगह जाम लग जाता है। महेश टाकीज वाला जो एरिया है वहाँ पर जाम की स्थिति है, क्योंकि वहाँ रेडीमेड कपड़ा जो है उसका कटला बना हुआ है, तो वहाँ रेडीमेड कपड़े की ख़रीदारी होती है, तो वहाँ जाम की स्थिति काफ़ी लगी है दिन में कई बार। और इसी तरह बाज़ार में भी कई जगह ऐसी हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बार बार जाम लग जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की भीड़ जब ज़्यादा होती है और अतिक्रमण की वजह से, अच्छा ठेले और रेहड़ी वाले जो हैं उनकी अब तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, उस वजह से भी समस्या तो आ रही है, पर जैसे तैसे लोग अब मशगूल तो हैं ख़रीदारी करने में और दीपावली की रौनक में। आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी जो है मौजूदा क्या स्थिति चल रही है गंगापुर सिटी में, तो आप देखिए ये बंधु जो हैं मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ खड़े हैं, इनकी वजह से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, बहुत समस्या आती है लोगों को। हालांकि मैंने जब मालूमात की थी तो पता लगा कि सर फोर व्हीलर जो है उनकी एंट्री तो बंद कर रखी है, लेकिन टू व्हीलर जो है उनको अलाउ कर रखा है, और उससे भी थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। तो व्हीकल्स लेकर के जब एंटर होते हैं बाज़ार में तो जाम की स्थिति ज़्यादा बनती है। और लोग अच्छी खासी ज़्यादा अपने चैनल को जानते हैं, मुझे जानते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल सर फोटो से ही चलना पड़ेगा। लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाजार उछाल पर है, अच्छी खासी भीड़ है, पुलिस की व्यवस्था अब प्रमुख जो पॉइंट हैं बाज़ार में उन पर कर दी गई है ताकि भीड़ पर भी नियंत्रण रहे और कोई अप्रिय घटना बाज़ार में ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, जो देवी स्टोर चौराहा है वहाँ पर, और स्थिति उन्होंने बिल्कुल उनकी नज़रों में है कहाँ क्या स्थिति चल रही है। देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग पॉइंट पर जो हैं पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। और अब तो गंगापुर सिटी में सीसीटीवी कैमरे जो हैं चौराहों पर वो भी चालू हो गए हैं और उनको पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ भी दिया गया है। कल जब मैंने मालूम की थी शाम को, एक दर्शक का हमारे कमेंट आया था और उसके तुरंत बाद मैंने थाने में जाकर के इसकी मालूमात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैक्सिमम जो कैमरे हैं वो जोड़ दिए गए हैं पुलिस थाने से। तो अब उसी तरह से नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सभी दीपावली अच्छी गुजरेगी और सभी लोग अपने अपने हिसाब से ख़रीदारी करेंगे और उस त्यौहार को अच्छा एंजॉय करेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से भी मैं सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बाकी अब धीरे धीरे जो है बाज़ार से भीड़ छटने लगी है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो दिन में आते हैं और फिर अपनी ख़रीदारी करके वो लोग यहाँ से चले गए। अब शाम के समय जो है वो सिटी के लोग जो हैं वो ख़रीदारी करेंगे और देर रात तक भी अब दुकानें खुलने लगी हैं, 9-10 बजे तक अब कपड़ों के जो शोरूम हैं और जो मार्केट हैं वो खुलने लगे हैं, क्योंकि यही 2-3 दिन 4 दिन ऐसे हैं जब अच्छी खासी ख़रीदारी होगी और व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये 3-4 दिन का जो बिजनेस है ये शायद कहीं ना कहीं उनको अब राहत प्रदान करेगा और पिछले 1-1.5-2 साल से जो सिचुएशन थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, एक बार मैं
कुछ पुलिसकर्मियों से आपकी बात भी करवा देता हूँ कि क्या व्यवस्था की गई है और कितने पॉइंट जो हैं वो ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है। सर कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है अभी इस चौराहे पे? तो क्या, अच्छा तो हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो दिन भर आप लोगों का काम है एक तो भीड़ को नियंत्रण करना और कोई बदमाश हो उसको देख रेख करना, कोई छेड़छाड़ नहीं हो जाए, तो जो भी अवांछनीय गतिविधियाँ हैं उन पर आप पूरी नज़र बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि पुलिस की माकूल व्यवस्था कर दी गई है और पुलिसकर्मियों का भी ये कहना है कि साहब दिन भर कोई भी अवांछनीय घटना ना हो इसका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं और भीड़ को नियंत्रण रखने की भी कोशिश कर रहे हैं हम। चलिए आप सभी को धन्यवाद।